बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबीहा किचन फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने लगी हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये हर किस्म की चाट की जान होती है। इसको बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ढाई सौ ग्राम मैंने इमली ली है यहाँ पर। इसको मैं एक घंटे के लिए भिगो दूंगी, ये देख सकते हैं। फिर भीगने के बाद इसमें से जो गुठलियाँ वगैरह होती है ना वो हम निकाल लेंगे। ये छन्नी हमने रख ली है, इसके ऊपर अब इमली का पल्प डालेंगे ताकि जो इमली के अंदर रेशा वगैरह कचरा वगैरह होता है वो इसके अंदर ही रह जाए। इस तरीके से आपने दबाते जाना है। थोड़ा सा पानी भी आप डालें इसके ऊपर ताकि पल्प नीचे को चला जाए। आधे से ज़्यादा पल्प नीचे को जा चुका है कटोरे में। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, सारा रेशा सब ऊपर रहेगा। ये पल्प हमारा निकल चुका है इमली का, अब ये देख लें आप। अब इसको हम पकाएंगे। वन टीस्पून जीरा पाउडर, 100 ग्राम गुड़, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा। एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं जीरा डालूंगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। जैसे ही जीरा हल्का गर्म होना शुरू हो हम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड करेंगे। अगर आपको हींग की खुशबू अच्छी लगती है तो आप इस टाइम पर इसके अंदर 1 टीस्पून हींग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं इमली का पल्प ऐड करने लगी हूँ। अंदर इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है। 2 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम इस टाइम पे मीडियम है। इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है और ये गाढ़े भी होने शुरू हो गई है। गैस की फ्लेम को मैंने अब लो कर लिया है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं गुड़ ऐड करूंगी, जिंजर पाउडर, सॉल्ट, काला नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर। इन मसालों को हम इसमें हल करेंगे। गुड़ इसमें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। फ्लेम इस टाइम मेरी लो है। चीनी ऐड करेंगे अब इसके अंदर। फ्लेम को मैं लो से मीडियम पे करूंगी। अब ये देखें इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम किया है। चम्मच को मैं मुसलसल चला रही हूँ ताकि इमली नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। अभी तकरीबन 1 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। इसको जैसे ही ठंडा करेंगे ये और गाढ़ी हो जाएगी। हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।